कैसे आप सब। मैं विकास। तो आज हम एक सॉन्ग सीखेंगे जिसका नाम है तुम ही हो। अरिजीत सिंह का गाया हुआ सॉन्ग है ये, और आशिकी टू मूवी का सॉन्ग है। तो बहुत ही अच्छा और फेमस सॉन्ग है, आप सब लोगों ने सुना ही होगा। तो इसी सॉन्ग को हम गिटार पर प्ले करना सीखेंगे। तो आज हम इसका इंट्रो और कॉर्ड्स वाला पार्ट सीखेंगे। तो चलिए लेसन शुरू करते हैं। लेसन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें इंट्रो देखते हैं। तो इंट्रो के टाइम अगर आप कीपो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इंट्रो कुछ ऐसा प्ले होता है। ठीक है, तो इसमें क्या प्ले करना है, ये बस फर्स्ट और सेकंड स्ट्रिंग ई और बी स्ट्रिंग पे ही है, ठीक है। तो स्टार्ट होगा ये सेकंड स्ट्रिंग से, सिक्स फ्रेट पे, सिक्स फिर नाइन, ये फ्रेट नंबर बोल रहा हूँ मैं, सिक्स नाइन, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग पे एट, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग पे नाइन, फिर फर्स्ट सेकंड स्ट्रिंग पे नाइन, फर्स्ट स्ट्रिंग पे सिक्स और सेकंड स्ट्रिंग पे एट। पहले इतना होगा, सेकंड स्ट्रिंग पे सिक्स नाइन और फर्स्ट स्ट्रिंग पे एट, इतना। फिर फर्स्ट स्ट्रिंग पे नाइन, सेकंड स्ट्रिंग पे नाइन, फर्स्ट स्ट्रिंग पे सिक्स और सेकंड स्ट्रिंग पे एट। मैंने स्क्रीन पर भी टैब्स दी हैं, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप वो टैब्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार इसको स्लो प्ले कर देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, यही चीज़ चार बार रिपीट होती है। तो बस यही प्ले हुआ है हमारे इंट्रो में। तो इस तरीके से इंट्रो प्ले होता है हमारा, ठीक है। तो अब आते हैं हम इसके कॉर्ड्स की तरफ। कॉर्ड्स इसमें जो यूज़ हुई है वो भी सभी बड़ी ईजी और ओपन कॉर्ड्स हैं। तो इस सॉन्ग को प्ले करने के लिए आपको कीपो यूज़ करना पड़ेगा फर्स्ट फ्रेट पे, ठीक है। फर्स्ट फ्रेट पे कीपो यूज़ करने के बाद कॉर्ड्स बन जाएंगे हमारी ई माइनर, ए माइनर, डी मेजर, बी माइनर। आप चाहें तो ओपन भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे, बार की जगह सेकेंड फ्रेट और फर्स्ट स्ट्रिंग पकड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ एक दो जगह पे जी मेजर और सी मेजर भी यूज़ होती है, ठीक है। जी मेजर और सी मेजर सिर्फ एक दो जगह यूज़ होगी, ज़्यादा यूज़ नहीं होगी। बाकी जो मेन कॉर्ड्स हैं हमारी ई माइनर, ए माइनर, डी मेजर और बी माइनर ही है, ठीक है। तो ये हमारी कॉर्ड्स हो गई, सभी के डायग्राम्स मैंने आपको स्क्रीन पर दे दिए, अगर आपको नहीं आते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इसकी स्ट्रमिंग पर। स्ट्रमिंग इसमें मैंने अलग अलग टाइप्स की यूज़ की है। स्टार्टिंग में तो मैंने फिंगर प्लकिंग की है, ठीक है, कुछ ऐसे। ये स्टार्टिंग की जो लाइन्स आती है उसमें प्ले किया ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या प्ले किया है, जो भी कॉर्ड है सबसे पहले तो उसका बेस नोट, जैसे ई माइनर है तो सिक्स थ्री टू फोर वन टू थ्री टू, फिर ए माइनर आएंगे तो बेस नोट फाइव हो जाएगा फाइव थ्री टू फोर वन टू थ्री टू, डी मेजर आएंगे तो बेस नोट फोर स्ट्रिंग हो जाएगा फोर थ्री टू फोर वन टू थ्री टू, ठीक है। बी माइनर में आएंगे तो भी बेस नोट फोर स्ट्रिंग है फोर थ्री टू, और ई माइनर पे फोर थ्री। ये जो लास्ट का बी माइनर और ई माइनर है ये जल्दी जल्दी चेंज होगा, आधा आधा यूज़ होगा ये। जैसे बी माइनर पे होगा सिर्फ फोर थ्री टू, और ई माइनर का जो लास्ट में आएगा वो भी सिक्स थ्री टू, ऐसे होगा, ठीक है। स्ट्रमिंग के टाइम पे जो मेन स्ट्रमिंग आएगी उसमें भी ऐसे ही होगा, आधा आधा यूज़ होगा। तो बस बी माइनर और ई माइनर जब चेंज करेंगे उस टाइम ध्यान रखना है, बाकी सब पे पूरा पूरा यूज़ होगा, ठीक है। तो हमारी फिंगर प्लकिंग वाली पहला बेस नोट, फिर थ्री टू फोर वन टू थ्री टू, ये सब में प्ले हो रहा है, ठीक है। ये हो गई फिंगर प्लकिंग। अब आते हैं हम इसकी मेन स्ट्रमिंग पे। तो वो मैंने एक स्लैप वाली यूज़ की है, वो कुछ ऐसे प्ले होती है। ठीक है, इसमें क्या करना है,
वही ई माइनर पकड़े हुए, तो सबसे पहला नोट तो बेस नोट यानी सिक्स स्ट्रिंग, फिर नीचे की जो 1 2 3 स्ट्रिंग्स है उनको एक साथ, ठीक है, फिर ये स्लैप, थंब से आपकी टॉप स्ट्रिंग्स को ऐसे हिट करना है स्लैप, ठीक है, फिर 1 2 3 एक साथ, पहला स्टेप इतना है, ठीक है, इतना हो गया, फिर हल्के से पॉज के बाद 1 2 3 दोबारा एक साथ और एक स्लैप, ये पूरा इतना है, बेस नोट 1 2 3 एक साथ स्लैप, 1 2 3 एक साथ, फिर हल्का सा पॉज, फिर 1 2 3 एक साथ और स्लैप, ठीक है, ठीक है। ई माइनर पे बेस नोट सिक्स स्ट्रिंग, ए माइनर पे फिफ्थ स्ट्रिंग से चालू होगा, डी मेजर पे फोर्थ, बी माइनर पे भी फोर्थ, इसमें भी वही बी माइनर और ई माइनर पे आधा आधा यूज होगा, तो आधा आधा बी माइनर पे प्ले होगा, बेस नोट 1 2 3 एक साथ और स्लैप, बस इतना ही प्ले होगा इस पे, बेस नोट 1 2 3 एक साथ और स्लैप, और इसके बाद जो ई माइनर आएगा उस पे भी इतना ही, बेस नोट 1 2 3 एक साथ और स्लैप, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रमिंग चली है, ये पूरे सॉन्ग में ये स्ट्रमिंग चली है। आपसे अगर ये प्ले नहीं हो रही है, अगर नॉर्मल एकदम इजी वाले चाहते हैं, तो आप इसके जगह ये यूज कर सकते हैं, डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप, डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन डाउन, ठीक है। ये वाली स्ट्रमिंग में भी आप प्ले कर सकते हैं, इसमें भी वही बी माइनर और ई माइनर में आधा आधा यूज होगा, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रमिंग में भी आप पूरा प्ले कर सकते हैं, डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप, जैसे आपकी इच्छा हो आप उस स्ट्रमिंग पे प्ले कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको 3 तरीके की स्ट्रमिंग्स बता दी हैं, तो ये हमारी कॉर्ड स्ट्रमिंग सब हो गया। अब आते हैं हम इसके कॉर्ड प्रोग्रेशन पे, वो भी बहुत ईजी है, तो मैं एक बार इस पूरे सॉन्ग को प्ले करके दिखा देता हूँ। अब ध्यान से देखिए कौन से कॉर्ड कहाँ पे यूज़ हुई और कैसे प्ले हुआ है, ठीक है। गाना चालू होगा हमारा ई माइनर से और इंट्रो के साथ, दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो।
दोस्तों ये हो गया हमारा सॉन्ग। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे समझ आ गया होगा। इजी सॉन्ग था और मैंने इजी समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, या आपको कोई क्वेरी या कुछ हो तो आप पूछ सकते हैं वो भी, और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आप ऐसे ही ईजी और नए सॉन्ग्स के और लेसन देखते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।